नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंग्लिश एंड सेंस और मैं हूं गणेश इंग्ले। दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो लाइब्रेरी यूट्यूब में अगर आप सर्च करते हैं हाउ टू फाइंड करंट लोकेशन ऑफ ट्रेन इन मोबाइल, ट्रेन की करंट लोकेशन मोबाइल में किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, तो शायद आपको हमारी ये वीडियो मिल जाएगी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से आप ट्रेन की करंट लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही अच्छा है और जिसका नाम है हेयर इज माई ट्रेन। ये वो एप्लीकेशन है, इसकी मदद से आप करंट लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डायरेक्टली क्लिक करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए देखिए, आपको प्ले स्टोर में जाकर हेयर इज माई ट्रेन यहाँ पर जैसे टाइप करेंगे वेयर इज़ माई ट्रेन, तो इस प्रकार से एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। इसका इंटरफेस इस प्रकार से है, ब्लू ब्राउन में वाइट कलर की ट्रेन है और नीचे लिखा है ऑफलाइन। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम करता है, सेल टावर से भी काम करता है, और अगर आपका नेट कहीं नहीं चल रहा है तो वहाँ के सेल टावर से भी ये काम कर लेता है। ठीक है, मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है और अब इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। इस प्रकार से इसका इंटरफेस है। अब बैक चलेंगे हम, यहाँ पर देखिए कुछ हेडिंग्स है, स्पॉट पीएनआर सीट, ठीक है, फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन फाइंड ट्रेन, उसके बाद स्पॉट ट्रेन। ठीक है, जहाँ पर हमारा ये जो लिखा है स्पॉट ट्रेन, यहाँ पर हम टाइप करेंगे ट्रेन नंबर क्लिक करके। कोई भी आप ट्रेन नंबर, आपको जो जिस ट्रेन की लोकेशन फाइंड आउट करनी है उसका नंबर डालना होगा। मैं डालता हूँ 12833 हावड़ा एक्सप्रेस सुपर फास्ट एक्सप्रेस का। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो ये देखिए आपको इस ट्रेन की लोकेशन दिखा रहा है। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, जहाँ पर स्पॉट ट्रेन लिखा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अपना ट्रेन नंबर डालना है 12833, जो भी आपका ट्रेन नंबर है। यहाँ पर ये ट्रेन नंबर का नाम ऑटोमेटिकली फिच होकर आता है और उस नाम पे आप जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ट्रेन की एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेन चलती है हावड़ा से, ये अपना सॉरी अहमदाबाद से और हावड़ा के लिए चलती है ये ट्रेन। यहाँ पर जैसे आप नीचे से जो डबल एरो ऊपर जा रहा है या ये थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये लोग ये पूरा रूट दिखाता है, अहमदाबाद जंक्शन से लेकर हावड़ा जंक्शन तक ये चलती है। ठीक है, मैं आपको इस ऐप के बारे में हर चीज़ बताऊंगा एक एक करके। देखिए अभी करंट लोकेशन कहाँ पर है ट्रेन की, अब ये ट्रेन देखिए कल चली है, ये 30 जनवरी को ये हावड़ा पहुँचेगी और इस वक्त ये है खटगांव चिलापाड़ा। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रेन की लोकेशन है, ये जो ट्रेन का सिंबल दिख रहा है ये उसकी लोकेशन दिखा रहा है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये लोकेशन को थोड़ा एक्सपांड कर लेता है और ये भी नवापुर से आगे निकल चुकी है, नंदुरबार के आसपास ये पहुँच रही है अभी इस वक्त। रात के 12 बजे के बाद निकलती है ये ट्रेन, अभी नंदुरबार महाराष्ट्र का एक स्टेशन पड़ता है वहाँ पर ये पहुँचने वाली है। ठीक है, यहाँ पर इसका टाइम भी दिखा है, जो रेड कलर का टाइम है इसका एक्चुअल टाइम है अराइवल, और जो रियल उसका जो टाइम है जो मतलब टाइम टेबल के हिसाब से है वो ब्लैक में है, और जो रेड टाइम है ये उसका है एग्जैक्ट टाइम पहुंचने का स्पॉट पर। ठीक है, और जैसे आप नीचे चलेंगे इसको फिर से आप वापस क्लिक करके वापस इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा आपको एक्सपांड करके देखना है कि एग्जैक्ट कहाँ पर है, तो यहाँ फिर से आप क्लिक करके उसे नेक्स्ट स्टेशन के बारे में आप पता कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके हम वापस चले जाएंगे और उसके बाद देखिए आप नीचे देख जो दिखा रहा है 12833 हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, यहाँ पर दो एरो है नीचे ऊपर की तरफ, उन एरो को जैसे हम ऊपर करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है अहमदाबाद जंक्शन से इतने दूर तक आ चुकी है जो ग्रीन लाइन है, और नेक्स्ट स्टॉप इसका दिखा रहा है नंदुरबार 28 किलोमीटर, जो कि अभी फ़िलहाल दूर है ट्रेन की स्पॉट से, और 7:15 पर वहाँ पर ये पहुँचेगी।
ठीक है, और नीचे रेड कलर में एक मैसेज दिया है कि नो डिले, ट्रेन राइट टाइम पर चल रही है। और हावड़ा स्टेशन, इसका जो डेस्टिनेशन स्टेशन है, हावड़ा स्टेशन है, वहाँ पर ये 1724 किलोमीटर का अंतर तय करके दोपहर के 1:48 पर चलने का पहुँचने का इसका चांस है। ठीक है, इसका रियल टाइम है वहाँ पर पहुँचने का 1:30। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि ये इंटरनेट पे कैसे चलेगी और मोबाइल टावर पे कैसे चलेगी। सबसे टॉप में देखिए, ऊपर सेंटर में लिखा है इंटरनेट, वहाँ एक ड्रॉप डाउन एरो है, वहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेल टावर, इंटरनेट और जीपीएस। आपके मोबाइल में जीपीएस है तो जीपीएस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नेट नहीं चल रहा है तो आप सेल टावर की पोजीशन से भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, सेल टावर की पोजीशन से ये दिखा रहा है खंड 12। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको अपना नेट बंद करना होगा। नेट बंद करने के बाद मैं करके देखता हूँ। अब इसे करते हैं सेल टावर, सॉरी आई नीड इंटरनेट वेन, सॉरी आई नीड इंटरनेट आई एम नॉट इनसाइड द ट्रेन। तो इस प्रकार से आप इसे सेल टावर और इंटरनेट से कर सकते हैं, जीपीएस से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था, ये बहुत ही अच्छा ऐप है और तकरीबन बहुत लोग इसे यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आप ट्रेन की डेट चेंज करना चाहते हैं, जहाँ टुडे लिखा है ऊपर टॉप कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में, तो यहाँ पर टुडे पर क्लिक करके आप यहाँ पर एस्टरडे पे जो 29 तारीख को ट्रेन चली उसकी पोजीशन आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप वो भी कर सकते हैं। देखिए अभी इस वक्त ये चल रही है झारसुगुड़ा जंक्शन, ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, ये देखिए झारसुगुड़ा जंक्शन में ट्रेन आ चुकी है हमारी। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहे झारसुगुड़ा जंक्शन, और जैसे ही आप ये डबल एरो ऊपर करेंगे तो देखिए इतना डिस्टेंस इसने तय कर लिया है जो कल निकली थी वहाँ से। ठीक है, अभी यहाँ पर ये दिखा रहा है जो कल वाली ट्रेन है, डिलेड बाय 1 आवर 47 मिनट्स। ठीक है, और ये हावड़ा रीच करने का टाइम है इसका 3:16 दोपहर के, काफ़ी लेट हो चुके हैं। वैसे हावड़ा पहुँचने का टाइम इसका 1:30 है। और यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉप दिखा रहा है बर्मा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से वहाँ पर आप क्लिक करके आपको प्ले स्टोर में डाइवर्ट कर दिया जाएगा और प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।